जालौन में कोरोना ने अपने पैर तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके चलते डीएम ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का औचक निरीक्षण किया। जालौन में कोरोना के कहर के चलते बीते दिन 3 दिनों में 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस बात से जिला प्रशासन काफी परेशान नजर आ रहा है, जिसको लेकर डीएम जालौन ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम के शुरू न होने पर सवाल उठाए और कंट्रोल रूम में डॉक्टर्स कर्मचारियों की ना मौजूदगी को लेकर मेडिकल सीएमएस से जवाब भी मांगा। इसके उपरांत राजकीय मेडिकल कॉलेज में शासन द्वारा स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लिया और शीघ्र अतिशीघ्र इसे पूरा करने के निर्देश भी दिए। लगभग 15 से 25 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं डीएम ने कहा कि कोविड की संख्या बढ़ रही है, जिसके लिए परामर्श को लेकर डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है। मेडिकल में स्वास्थ्य सेवा ठीक है और सफाई को लेकर कुछ शिकायतें भी, जिन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में मौतों की संख्या बढ़ रही, जिसके लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। लोग अपनी जांच कराएं, होम आइसोलेशन के मरीज के लिए निर्धारित मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं और इसके बाद भी कोई समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। जनपद के लिए एक ही ऑक्सीजन प्लांट अभी सैंक्शन हुआ था, तो 15 दिन लगभग इसमें फाइलिंग में लगेगा। इसके पश्चात जैसे ये काम खत्म होगा जनरेटर हमारा आ जाएगा। हम मान के चलते हैं कि 15 से 25 दिन में हमारा ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। मैडम, जनपद में लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है, इसके लिए जिला प्रशासन क्या कर रहा है? इसके लिए हम लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग प्रारंभ में ध्यान नहीं देते या बीमारी को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो अस्पताल तक आते हैं तो बहुत विलम्ब हो जाता है, मतलब काफ़ी लोगों को नुकसान हो जाता है और वो ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि फिर वहाँ से वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर लोग प्रारंभ से ही अवेयर हों कि हमें जो है अगर थोड़ा भी फीवर आ रहा है तुरंत जाँच करा के छुपाएँ नहीं, होम आइसोलेशन किट की सुविधा हमने रैपिड रिस्पॉन्स टीमों के माध्यम से भी उपलब्ध करा रहे हैं और हमने मेडिकल स्टोरों को भी बता दिया है कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक आप होम आइसोलेशन किट लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर लोगों को थोड़ा भी शंका है तो स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी दवाएँ लेकर वो उनका लेंगे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार तो उनकी हालत ख़राब नहीं होगी और क्रिटिकल कंडीशन में आते आते उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। जालौन से देवेश कुमार शर्णकार की रिपोर्ट।